नमस्कार। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की लड़ाई तो हमने खूब सुनी। मैंने भी इस पर वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट करे हैं। अगर आपको जाकर देखने हैं तो देख सकते हैं, कम्युनिटी टैब पर भी देख सकते हैं। मगर उससे भी बड़ी एक लड़ाई चल रही है, जो रियल की लड़ाई है, जो हमारे माइग्रेंट सड़कों पर लड़ रहे हैं। ये लड़ाई है गरीबी और भूख के बीच की लड़ाई। ये लड़ाई है जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई। इस पर हमारे माइग्रेंट निहत्थे लड़ रहे हैं और वो वॉइसलेस हैं, उनकी आवाज कोई नहीं उठाता। यहाँ तक कि हमारे देश की सबसे तेज आवाज जो मीडिया में होती है, वो भी उस बात को नहीं उठा रही। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊं। पिछले कुछ दिनों में हमने कई सारी ऐसी डिस्टर्बिंग फुटेज देखी जो देखकर दिल दहल जाता है। कहीं पर एक प्रेग्नेंट औरत को 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, सड़क किनारे बच्चे को पैदा करना पड़ा और 150 किलोमीटर उस बच्चे को लेकर फिर आगे चलना पड़ा। कहीं दूसरी तरफ एक प्रेग्नेंट वाइफ को सड़क पर ट्रॉली पर एक उसका हस्बैंड घसीटता हुआ ले जा रहा है। तरफ हमने देखा विदेश से जो वंदे भारत मिशन के तहत अमीर घर का एक कुत्ता वापस आता है, उसके साथ अफसर एक फोटो ऑप करने लगता है, उसको बिस्किट खिलाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ बिस्किट के लिए हमारे गरीब जानवरों की तरह लड़ने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ हमने देखा कि एक महिला जो अपने बच्चे को संदूक के ऊपर रख के ले जा रही है ताकि उसके पैर न सूज, और वहीं हमारे अफसरों की ऐसी टिप्पणी कि भाई ये सब तो हम बचपन में किया करते थे। भी आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुबह 3:30 बजे यूपी के औरैया में 24 माइग्रेंट्स की डेथ हो गई और 14 घायल हो गए, क्योंकि ये जिस लॉरी में जा रहे थे उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई। ये लॉरी में भरकर राजस्थान से वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार के लिए जा रहे थे। उनको लॉरी में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनको सरकार द्वारा ना तो बस मिली और ना ही ट्रेन मिली। कई बार माइग्रेंट्स को नदी पार करके जाना पड़ रहा है, कहीं पर एक माइग्रेंट साइकिल से चलते हुए बहुत दूर तक जा रहा है और उसके बाद उसकी डेथ हो जा रही है, कहीं पर माइग्रेंट्स पैदल जा रहे हैं उसके बाद उनकी डेथ हो रही है। तकरीबन 300 से 400 माइग्रेंट्स अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक अपने घर पहुंचने की कवायद में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। से ये तो साफ समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो अब मैं बात करता हूं कि सरकार कौन से स्टेप्स उठा रही है। अभी कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज अनाउंस करा था। असली बात ये थी कि उससे पहले 7 या 8 लाख करोड़ रुपए आरबीआई और सरकार जो अनाउंस कर चुकी थी वो भी इसमें शामिल था। मगर फिर भी जो भी पैकेज उन्होंने अनाउंस करा, उसके बारे में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी। ये अनाउंसमेंट के लिए डिटेल्ड थ्रेड अगर आपको पढ़ना हो एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिर्फ आपके लिए क्यूरेट कराया मैंने, आप ट्विटर पर जाकर पढ़ सकते हैं, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इस पैकेज में माइग्रेंट्स के लिए निर्मला सीतारमन जी ने क्या क्या बताया। माइग्रेंट जब घर वापस जा रहे हैं तो एक बड़ा सवाल कई लोग उठाते हैं कि भाई माइग्रेंट्स अगर घर वापस जाएंगे तो कोविड फैलेगा। मुझे लगता है हमें इस सवाल से आगे बढ़ जाना चाहिए कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें कोविड के साथ रहना सीखना होगा। जब बड़े शहरों में ना माइग्रेंट्स को ठीक से खाना मिल रहा है, ना रहने के लिए छत मिल रही है, तो कम से कम हम उन्हें उनके परिवारों तक तो पहुंचा सकते हैं। और इसी उद्देश्य से शुरू हुई थी श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस। उसके बारे में निर्मला सीतारमन जी ने बताते हुए कहा कि अभी तक हमने कुल 800 से ज्यादा ऐसी एक्सप्रेसेस चलाई हैं। ये मैं आपको बता दूं कि 10-12 दिनों का डेटा है जब से श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस चल रही है। उन्होंने बताया कि 8 से 10 लाख से ज्यादा माइग्रेंट्स वापस अपने शहरों में जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास 1200 और श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस चलने को तैयार खड़ी हैं। हम डेली 300 से ज्यादा ऐसी एक्सप्रेस चला सकते हैं, मगर उसके लिए जहां पर माइग्रेंट्स का घर है उस स्टेट को हमसे रिक्वेस्ट करना होगा। ऐसा इसलिए कि हर एक ट्रिप का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका 15% स्टेट को देना होता है और 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसलिए स्टेट जब तक रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक ये एक्सप्रेस नहीं चलेगी। उन्होंने अभी तक का डेटा बताया और ये सारे स्टेट्स और ये है नंबर ऑफ श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस जो इन्होंने अभी तक डिमांड करी थी और जो उनको मुहैया कराई गई। ये कहते हैं कि स्टेट अगर डिमांड करे तो 3 से 4 घंटे में हम नई एक्सप्रेस उसके लिए तैयार करके खड़ी करवा सकते हैं। यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर मजदूर अपने घर पहुंच जाएंगे अगर उनका होम स्टेट इस बात की डिमांड कर दे सरकार से और 15% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट देने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र ने 11,000 करोड़ रुपए मुहैया करवाए मार्च और अप्रैल के महीने में अंडर द स्टेट डिजास्टर फंड। ये फंड पहले से ही अवेलेबल था मगर उन्होंने अनुमति दी है राज्य सरकारों को एक खर्च करने के लिए ताकि माइग्रेंट्स को रहने के लिए छत और खाने के लिए 3 टाइम का खाना दिलाया जा सके। पीएम केयर से भी पैसा अलोकेट किया गया है राज्यों को। कहा जा रहा है कि 1,000 करोड़ पीएम केयर से निकालकर राज्यों में बांटे जाएंगे और उसका वेटेज अलग अलग जो पैरामीटर से उसके हिसाब से लिया जाएगा और राज्यों के जो वहां पर एमसीडीज होती हैं या वहां पर जो अफसर होते हैं उनको ये पैसा मिलेगा और उनका काम होगा कि माइग्रेंट्स के लिए खाना, उनके आने जाने का खर्चा और ये सब चीज़ें वो वहन करें। कि हम माइग्रेंट्स को फ्री फूड ग्रेन्स देंगे, 5 किलोग्राम व्हीट और राइस, 1 किलोग्राम ऑफ चना फॉर द माइग्रेंट्स, जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी।
उन्होंने कहा कि इससे 8 करोड़ माइग्रेंट बेनिफिट हो सकते हैं और 3500 करोड़ इस स्कीम में लगेगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन रेशन कार्ड की भी बात हो रही है, जो स्कीम पहले से चल रही थी 85% कवरेज है और मार्च 2021 तक फुल कवरेज हो जाएगी 100%, यानी कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप अपने आधार कार्ड से उसे लिंक करके वहां से भी अपने हिस्से का राशन ले सकते हो, और आपकी फैमिली अगर किसी और राज्य में है तो वो अपने हिस्से का राशन वहां से ले पाएंगे। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर रेंटल हाउसिंग तैयार करी जाएगी माइग्रेंट्स के लिए, जिसके लिए सरकार कहती है कि हम प्राइवेट सेक्टर से भी कहेंगे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो। ये तो हुई बात हमारी केंद्र और राज्य सरकारें क्या स्टेप्स ले रहे हैं माइग्रेंट्स के लिए, मगर इन सारे स्टेप्स के बावजूद हमने देखा है कि सड़कों पर माइग्रेंट तो अभी भी चल रहे हैं, उनके पास खाने को अभी भी नहीं है। तो इसका मतलब जो भी स्टेप सरकार ने लिए वो क्लियरली सफिशियंट तो कहीं से भी नहीं है। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, केंद्र सरकार के जितने भी स्टेप हैं उसका जो एग्जीक्यूशन है वो राज्य सरकार पर डिपेंडेंट है। श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस राज्य सरकार अगर रिक्वेस्ट नहीं करेगी तो केंद्र सरकार प्रोवाइड नहीं कर सकती। कार्डलेस राशन लेने की बात करो, उसका भी पैसा तो केंद्र सरकार दे रही है मगर एग्जीक्यूशन राज्य सरकार को करना होगा। अगर आप बात करो कि पीएम केयर से पैसा, तो वो जो 1000 करोड़ है वो राज्य सरकारों में डिवाइड कर दिया जाएगा और वो आगे देखेंगे कि माइग्रेंट तक पहुंचे या ना पहुंचे। इसमें दिक्कत ये होगी कि एक तो हर जगह एक पार्टी की सरकार नहीं है, तो पार्टियों के बीच में मतभेद है, तो कई जगह वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद इसमें अफसर बाबू लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, वैसे बाबू लोग जो इस तरह के कमेंट करते हैं कि भाई ये तो हम बचपन में किया करते थे सूटकेस के ऊपर बैठकर। ऐसे में शक ये है कि ये बाबू लोग और बीच के जो अफसर लोग हैं ये सारे पैसे को खा ना जाएं और माइग्रेंट तक कहीं ऐसा ना हो कि 0 रुपया पहुंचे। उसके अलावा जो माइग्रेंट अभी सड़क पर पैदल चल रहे हैं, जिनके लिए कई सारे स्टेट में कोई सुविधाएं नहीं है, पुलिस उन्हें मार के भगा देती है, कहीं उन्हें खाने को नहीं मिलता, के लिए इमीडिएट स्टेप क्या उठाए जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को तीन चीजें बहुत इमीडिएट लेवल पर अभी करनी चाहिए माइग्रेंट को हेल्प करने के लिए। पहली चीज है कि आप राज्य सरकारों का वेट मत करो, श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस आपके पास जितनी हो सकती है आप उतनी चला दो और सारे माइग्रेंट को, जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं घर जाने की कम से कम, उन्हें तुरंत आप घर पहुंचा दो। देखो बात यह है कि हमारे पास अभी जो नॉर्मल ट्रेन है वो तो चल नहीं रही है, तो ट्रेनें हमारे पास खूब सारी खाली खड़ी हुई हैं, तो आप उन्हें श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस की तरह चलाकर सारे माइग्रेंट्स को घर पहुंचा दो, जो जो माइग्रेंट अभी एकदम इमीडिएट नीड में है कि उन्हें घर जाना है, जिनके पास खाना नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है और वो बड़े शहरों में परेशान हो, तभी तो वो पैदल चल रहे हैं। तो इसलिए अगर आप उन्हें तुरंत पहुंचा दोगे तो ये एक बड़ी समस्या है जो अभी के लिए सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा जो भी माइग्रेंट अभी सड़क पर हैं, सड़क पर तो आपको सारी सरकारों को पता है क्योंकि पुलिसिंग डिपार्टमेंट सब जगह एक्टिव है, जितने भी माइग्रेंट अभी सड़क पर हैं उन सब के सब को उठाओ और तुरंत कहीं ना कहीं क्वारंटीन, जहां पर भी सुविधा मिल सकती है वहां पर आप क्वारंटीन करो। 24 से 48 घंटे के समय के अंदर अंदर जिस भी राज्य में वो करेंटली हैं और जिस भी राज्य में वो जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए चाहे आपको बस देनी पड़े चाहे आपको ट्रेन देनी पड़े, वो आप उनको प्रोवाइड करो और उनको आप वहाँ पर पहुँचाओ। जितने भी दिन आप उन्हें क्वारंटीन कर रहे हो उनके खाने पीने का आप ख्याल रखो। मुझे नहीं लगता कि अगर सारी सरकारें एक साथ काम करना शुरू कर दें, जैसे पीएम मोदी अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करते ही रहते हैं, अगर वो सारी सरकारें एक साथ काम करें तो ये इतना बड़ा टास्क नहीं है कि सारे माइग्रेंट्स को पैदल चलने से कम बचा लें, क्योंकि भयंकर गर्मी है बाहर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माइग्रेंट पैदल जा रहे हैं, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, माइग्रेंट्स की खुद की तबीयत खराब हो रही है, कितनी सारी जाने जा रही हैं, और वो बचाने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। तीसरा और लास्ट स्टेप है, जितना भी फंड आप अभी निकाल रहे हो, चाहे पीएम केयर से 1000 करोड़ निकालो, चाहे नो कार्ड राशन के तहत पैसा निकाल रहे हो, अगर आपको इन सारे पैसों को इफेक्टिवली यूज करना है तो आपने ही एक स्कीम लाए थे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT, यानी कि आप डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने वाली, वो स्कीम आप यूज करो और जितने लोगों तक हो सके आप डायरेक्ट पैसा पहुंचाओ। के लिए जो है पैसा आप स्टेट गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी के थ्रू भेजना चाह रहे हो, उसे अगर आप डायरेक्ट भेजोगे तो ये इंश्योर होगा कि जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। अभी आप जिस रूट के थ्रू जा रहे हो उस रूट पे हमने देखा है हिस्टोरिकली हमेशा सिर्फ और सिर्फ करप्शन हुआ है, अभी भी ये इंश्योर नहीं हो पाया कि जिसको जरूरत है पैसे की उसे मिले। तो लगता है ये तीन सुझाव हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें सुने अपनी तरह से उसे अमेंड कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है, मगर इन तीन मोटा माटी जो सुझाव हैं अगर इनको इम्प्लीमेंट करा जाए तो अभी करेंटली जो माइग्रेंट हमारे सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर हैं, जिनकी जाने जा रही हैं, उनकी जाने बचेंगी और जो भी पैसा उन पर खर्च किया जा रहा है वो ये इंश्योर हो जाएगा कि उन तक एटलीस्ट पहुँच जाए।
दोस्तों ये था मेरा पूरा वीडियो माइग्रेंट क्राइसिस के ऊपर, क्या क्राइसिस है, क्या है सरकार के कदम और क्या है मेरे 3 सुझाव। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, सरकारी लोगों को टैग कीजिए और उन तक इस वीडियो को। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, इसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन और इंस्टा मोजो पे आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।